भैया फोन पे देख रही थी। नाज़रीन, मैं जो है वो इंतहाई दर्दनाक सिचुएशन में दाखिल हो चुका। दर्दनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी नाक खतरे में है। यानी बड़ी भाभी और छोटी भाभी की ताबड़तोड़ कोशिशों और ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद मैच उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। फरहंदा भाभी की टीम अभी ग्राउंड में मैच में उतरी भी नहीं है, उनके 12वें खिलाड़ी ने हल्ला मचा दिया है। आए 12वां खिलाड़ी कौन? अरे वो इलेक्ट्रीशियन। हथियार डालने को तैयार ही नहीं हो रहा। अब हमारे पास बचा है आखिरी गूगली बॉलर और वो है भाभी खुद। फरखंदा भाभी के 12वें खिलाड़ी से भाभी को भिड़वा के अभी आ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और आंटी होगी तुम्हारी फरखंदा बाजी समझी। और ये हमारे सोफे पे बैठा हुआ पैर पसारे हुए क्या कर रहा? खड़ा हो, खड़ा हो। वो फॉल्स चेक की पिछले की जी कर ली। कहाँ कहाँ मिली फॉल्ट? पूरे के पूरे घर में ही फॉल्ट है। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है। आप शुक्र अदा कर रही हैं? हाँ हाँ, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि तुझे पूरे घर में फॉल्ट मिले। पर ये फॉल्ट बहुत बड़े हैं, इतनी आराम से हल नहीं होंगे। चलो अब जाओ जल्दी से, नजर ना आना मुझे अब। जी जी जा रहा हूँ। वैसे बात तो बताओ, तुझे कैसे पता चला कि घर में खराबी है? नजर आ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा है। सिस्टम उल्टा हुआ है? मतलब भैया ने कोई कारीगरी दिखा दी है? अरे भैया, भैया बड़ा काम का आदमी है, बस मुझे ही तंग करता रहता है मनहूस। अब मैं भी काम का बंदा हूँ, कुछ दिन रहने देना आप अपने घर पे। अरे पागल तो नहीं है तू? हैं? कुछ दिन घर में रहने दे। क्यों रहने दे? बात सुन मेरी, कौन लगता है तू हमारा? रहने दे, मुफ्त खोरे। चलो यहाँ से निकलो। शाबाश, अब नजर नहीं आना मुझे। चलो शाबाश, उस तरफ देखो और जाओ। शक्ल से इलेक्ट्रिशियन लग ही नहीं रहा था कमबख्त। देखो पता नहीं किस अंग्रेज की गुलाबी कमीज पहन के चला आया। कौन है? रुक तो जाओ, घंटी पे खड़े हो गए क्या? सलाम। अरे वालेकुम सलाम। आ जा। तुम तो 7 बजे आने वाले थे। नहीं नहीं, मैं तो सुबह आने वाला था।
मैं तो लेट हो गया हूँ। अच्छा हमें 7 बजे का बताया था, चलो अब जल्दी आओ और सबसे मिल लो आगे। चलो मैं क्यों मिल लूँ, मुझे तो बस आप मेरी जगह दिखा दें। यार जगह की ऐसी क्या जल्दी है यार, गिरते ही सो जाओगे क्या? सोने की बात किसने की, आप बस मुझे मेन बोर्ड दिखा दें। बोर्ड वोर्ड कहेगा यार, ये कोई दुकान थोड़ी है, घर है, बोर्ड कहेगा? बोर्ड की जरूरत नहीं है, सही जगह पे आए हो बिल्कुल। अब जल्दी से आओ और आके सबसे मिल लो। अरे यार मुझे सबसे मिलाने में क्यों तुले हुए? इतने सालों बाद आए हो, किसी से मिलना नहीं चाह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम? अरे हटे, इतने सालों क्या आप मुझे रोज बुलाएं, रोज आ जाया करूंगा। आप मुझे वो दिखा दें सारे तार। तार तार दे के बुलाया क्या? मुझे भेजा तो मैं आ गया। भेजा जी, जो मेरे पास तो है लेकिन मुझे लगता है आपके पास नहीं है। पापा पापा पागल पापा भाभी भाभी पागल हो गया, भाभी पागल हो गया। ये अपने पागल होने का ऐलान इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों कर रहा है? छोटी भाभी का इतना बड़ा बेटा, क्या बात है। चल काम पे लगे यार, तार कहाँ पर है? अरे भैया रुके, काम आगे जा रहे हैं। क्या भाभी के पास जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? रुक जा रुक जा रुक जा, उन्होंने मना किया, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, कहा है जब आलियान आएगा तभी उठाया जाए। आलियान आ गया मगर नहीं आया। क्या बोल रहे भैया? आलियान है मगर नहीं। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप, साफ साफ बताए ना क्या बात है। अरे भाई उसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, या तो वो पागल पहले से था या रास्ते में हुआ है, और छोटी भाभी हमसे ही छुपा रही है। हट जाओ हट जाओ। आलियान पागल है इसलिए तो छोटी चाची अपने कमरे में बीमारी का बहाना बना के बंद हो गई है। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, ऐसे कैसे कोई एक भी पागल हो सकता है? पर छोटी भाभी के साथ रह गए तो कोई भी पागल हो सकता है। यानी हम भी पागल होने वाले? हम छोटी भाभी के साथ नहीं रह रहे, याद रखना वो हमारे साथ रह रही और हमारे पागल होने के इम्कान कम है। अच्छा छोड़े ना भैया ये सब कुछ, और जाके चाची को ले आए, क्या पता ये ताजा ताजा पागल हुआ हो और अपनी अम्मी को देख के ठीक हो जाए। हाँ वैसे वो पागल है का, मेरा मतलब है आलियान भारी है, मैं देख कर आती हूँ। जाओ चले हम अंदर चलते। चलिए कौन हो तुम कौन हो? मैं सारा। तुम सारे का सारा हो तो बाकी सब क्या यहाँ भुट्टे बुनते हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये लैंग्वेज यूज करते हैं तुम्हारे यहाँ? इससे भी मजेदार लैंग्वेज यूज करते हैं। कभी आई हो तुम नानकवाड़े? नानकवाड़ा, ऐसे किसी जगह का नाम तो नहीं सुना लंदन में। तुम चाची के ही बेटे हो ना? ओ, इस घर में माओ से ज्यादा बेटे रहते हैं लगता है। क्या मतलब? मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो भाभी का बेटा पागल हुआ था और अब तुम चची को ले आई, क्या वो भी पागल हो गया है? ऐसे ही कुछ लग रहा है। या खुदाया इस घर में तो हर माँ का बेटा पागल निकल रहा है। ये तुमने अपना हुलिया क्या बनाया वे? कितने गंदे लग रहे हो। गंदा? अरे अभी तो नहा कर आ रहा हूँ, 4 दिन में एक ही बार पानी आता है हमारे घर, खूब रगड़ रगड़ के नहाया हूँ आज, एकदम चकाचक। लंदन में भी 4 दिन बाद पानी आता है? अरे लंदन में नहीं, नानकवाड़े में। ये तुम एकदम लंदन में पहुँच जाती हो? और ये तुम बार बार लंदन से नानकवाड़ा क्यों आ जाते हो? अरे तो मैं वहीं रहता हूँ ना। स्कूली दिमाग पलट गया है। एक काम करो अंदर आके ना चाय वाय पियो ताकि तुम्हारा थोड़ा दिमागी तवाजुन ठीक हो। हाँ तवाजुन, तवाजुन तो मेरा खंबे में खराब नहीं होता, यहाँ खड़े खड़े क्या होगा? तुम खंबे में भी चढ़ते हो? हाँ रोज चढ़ता हूँ, अभी भी तो खंबे से उतर के आ रहा हूँ सीधा यहाँ। खंबे में चढ़ना कौन सी बुरी बात है? अच्छा तार कहाँ गई, ये री तार। आपका अपना दाती लड़का लंदन से पागल हो गया है। ओ माय गॉड, की कह रहे हैं तू? डोंट डू दिस टाइप ऑफ मजाक। अब जरा फासले से रहिएगा, काट भी सकता है वो। कौन कट सकता है? आलियान है? मेरा बच्चा है या ज़ॉम्बी? चाची अभी तो दूसरा ऑप्शन ना ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाय
हाय मैं मर गई, हाय ओ मेरे रब्बा, हाय मेरे बच्चे ज़ॉम्बी, हु चेंज माय माय चाइल्ड्स नस्ल। चाची आप एक दफा चल के तो देख लें। नहीं नहीं मैं नहीं देख सकती, मेरी तबीयत तो पहले ही खराब है, और मैं अगर जब कोई नजारा देख लिया ना तो मैं तो गिर के बेहोशी हो जाऊंगी। नहीं नहीं रबीका नु मेरे को छड़ जा मेरे को भैया, और जो तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना तो मैनु बुला लें फिर। जा मुमकिन नहीं हैगा। हैं एक ही सुल्तान रही सी। हाय मेरा बच्चा, हाय ज़ॉम्बी। चाची फिकर ना करें। आय हाय हाय बिस्मिल्लाह, मैं सक्के में वारी मेरी जान। चलो अंदर चलो। अंदर कहाँ? मेरी तुझसे कोई जंग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा जो इख्तलाफ है वो तुम्हारी अम्मा से। चल अंदर, मैं जरा दिमाग की सिकाई कर दूं। दिमाग की सिकाई तो कब से हो रही है मेरी, बस अब धुआं निकलना बाकी है। अच्छा तो निकाल दो धुआं। हाँ एक मिनट सेफ्टी कर लूं जरा। हाँ निकाल दो धुआं, सारा दिमाग खाली कर लेना अपना। अच्छा क्या कह रही है ये आप? देखें देखें मुझे गुस्सा मत दिलाएं। इसे नीचे रखो। हाँ मैं प्यार से पेश आ रही हूँ और तू आपे से बाहर हुए चला जा रहा है, क्यों? मैं फरखंदा जी के कहने पे यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे उनका डर ना होता ना तो कब का भाग जाता इस पागल खाने से। अरे नहीं नहीं फरखंदा के नहीं, शबाना के कहने पर आए हो तुम। कमाल है, बहुत ही फनी बच्चे हो तुम, अपनी माँ का नाम भूल गए हो। हैं फरखंदा तेरी फुप्पो का नाम है बेटे। अरे भाड़ में गई फुप्पो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरखंदा जी मुझे बचा लो। बात सुनो, इतनी सीधी नहीं है फरखंदा कि एक दफा के इंशाल्लाह पर ऊपर पहुंच जाए। चलो चल मेरे साथ। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, चल मैं बच्चा। अरे बचाओ, आ जाओ जरा दिमाग की सिकाई करूं। भैया बुलाओ जरा इसकी अम्मा को और बताओ कि इन्होंने पागलपन में अपनी अम्मा ही बदल दी है। अरे फरखंदा फरखंदा नाम बता रहा है माँ का। इसका मतलब इसकी नस्ल वाकई बदल गई है, छोटी भाभी भी इससे मिलने को तैयार नहीं। हाँ सुन लिया तुमने, अरे तुम्हारी जो पर्सनल अम्मी है बिल्कुल जाती, वो भी तुझसे नहीं मिलना चाहती। वो तो मैंने उनकी पसंद के खिलाफ शादी कर ली थी ना, इसलिए थोड़ी सी नाराज है। क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ कर ली। तो तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ होगी, जहन्नुम में जाओ तुम। अरे मैं क्यों जहन्नुम में जाऊँ, आज नहीं तो कल अम्मा को मना लूंगा और बेगम को घर ले जाऊंगा। हाय वैसे एक बात बताएं, मेरी अम्मा और मेरी शादी से आप सब लोगों को क्या तकलीफ है? हमारा क्या लेना देना तुम्हारी और तुम्हारी माँ से है? हमारे लिए तो और अच्छा है कि उस जादूगरनी से तेरे ताल्लुकात खत्म हो जाएं। ये जादूगरनी किसको कहा तुमने? तुम्हारी वालदा को कहा है। तुम्हारी बेगम को? देखें ये मेरे ना घरेलू मामले में ना आप लोग दखल अंदाजी मत करें, बस जल्दी से अपना वो बिजली का काम करवाएं ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और फरखंदा जी को रिपोर्ट कर सकूँ ताकि वो सुबह यहाँ आ सके। क्या क्या तू फरखंदा बाजी का भेजा हुआ इलेक्ट्रीशियन है? हाँ और क्या। तुम आर्यान नहीं हो? अरे मैं कोई आर्यान वालियान नहीं हूँ। अबे तुम इलेक्ट्रीशियन नहीं हो तो वो कौन है जो सुबह से आया हुआ? जो सुबह आया था वो आलियान है। तो तुम हो आलियान? हाँ जी गलती से। काहे को नहीं बता रहे हो भाई तुम इलेक्ट्रिशियन नहीं होता? माफ कीजिएगा, हाँ बताते क्यों नहीं तुम? आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन बना दिया तो मैं बन गया, अब तक तो घर के कोई चार स्विच और प्लग मैं ठीक कर चुका हूँ। मतलब अगर इसने बिजली का काम कर दिया है तो मेरी छुट्टी, मैं जाऊँ ना? तू अब यहाँ से कट ले भैया, तू कट ले यहाँ से, नहीं तो नंगे तार से ऐसा करंट लगाऊंगी कि तू याद रखेगी। भैया पता है क्या, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा लाल मेरा चंदा और ये अकड़े चला जा रहा है, अकड़े चला जा रहा है। जा रहा है या? गया गया, इलेक्ट्रिशियन गया। अम्मी 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 वो चाची जो है ना अलियान का सुन के तीसरी बार भी होश हो गई और अब तो होश में भी नहीं आ रही। क्या है? ये घर है या क्रिकेट मैदान? नौकर नीचे बेहोश होता, डॉलर ऊपर है ना भाभी। चलो जाके देखो अब उसे। अच्छा सुन इधर आ, बस ज्यादा करीब नहीं,
मालिकों से डिस्टेंस में रहते। अच्छा चलो, एक पे बोलते आवाज आई। खाम जूती। अच्छा हाँ, क्या कह रही? सीरियसली बात सुन मेरी। मेरे जहीन तरीन जहन में एक तरकीब आई है, सुन ले। वो ये कि तू जाकर वो जब सो रही हो तो उसका सोफा घसीट ले नीचे से। ये घर है या क्रिकेट मैदान, भाई जैसे भी खींच, बस अचानक झटके से खींचना। कोशिश करना या तो कमर का मोरा हिल जाए या फिर कूल्हे की हड्डी टूट जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है लियान पुत्र कि तू बिल्कुल ठीक ठाक है, वरना मैं तो ना यही सोच सोच के बेहोश होती जा रही थी बार बार कि मैं एक घर में दो एक जैसे कैसे बर्दाश्त करूंगी। दो एक जैसे आपके घर में? मतलब और भी कोई पागल है आपके घर में? भाई मेरे ख्याल में तो आलियान के अलावा सिर्फ आप ही हैं। मतलब आप पहले से ही क्रैक हैं? सब तो हमको हुआ था पहले। डोंट डू राइट लेफ्ट टॉक, उल्टियां सीधियां गल्ला ना कर। मैं तो समझी थी कि तू भी ना भाभी जी की तरह पागल हो गई, यही सोच के ना मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश तो मैं करूंगी अब तुझे, चौथी मर्तबा मुझे पागल खाया तुमने। लो मैं उनकी कीता, किसी ने सुनिया मैंनू पागल किया? आपने कहा तो है इशारों में। और भैया सच्ची सच्ची टहल टहल, और मैंने नाम तो नहीं लिया ना किसी का। अरे तेरी टहल टहल की ऐसी की तैसी। क्या मामा, आप बिला वजह ताई अम्मा को गुस्सा दिला देती हैं। लो मैं की कीता है? सॉरी ताई अम्मा, अम्मी वैसे ही मजाक करते हैं ना। फिक्र ना कर बच्चे, मैं अभी अभी इससे वो मजाक करूंगी कि याद रखेगी। भाभी जी जितना मजाक करना है ना आपको यही कर लें, अपर पोर्शन पर ना मैं आपको ना मजाक करने की इजाजत हरगिज नहीं। अरे अपर पोर्शन पे कदम रख के तो देख, बालों से घसीट के सीढ़ी पे धक्का दूंगी। ले पुत्र देख लिया तू, हूं दस मैं की करा। अरे आप फिक्र ना करें, सीढ़ियों से ना जा सके तो लिफ्ट पे चली जाएगा। है इस घर में लिफ्ट है? भाभी जिसको चाहे लिफ्ट करा दे। मुझे दे। वो फोन करो इलेक्ट्रिशियन को, क्या हुआ देखो। अभी लो रख दो उसे। अरे बेगम सलामत, जो इलेक्ट्रिशियन से लहजा बोलना चाहिए वो हस्बैंड से बोलती हो। ये हेलो मानी स्पीकिंग। देखो बेगम सलामत से बात करो। हाँ भाई। जी 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 बेगम साहिबा। अरे भाई काम हो गया, सारी खराबियां दूर हो गई। तारें खराब थी, स्विच खराब था, क्या खराब था बताओ तो सही ना। खराबियां बिजली में नहीं है, वहाँ सबके सब मेंटल हैं, पागल हैं पागल। सबके सब पागल हो गए इकट्ठे? आप भी मत जाइएगा वहाँ पर, काट खाएंगे आपको। छुरी से? छुरी कांटे से तो नॉर्मल लोग खाते हैं, वो तो दांतों से ही काट खाएंगे आपको। अच्छा अच्छा रखो फोन रखो तो। ए भैया बात सुनो जिमी, तुम जाके ना अब्बा के घर में सबके दांतों के साइज चेक करके आओ जाओ। भाई दांतों का साइज, वो सब बकरे बन गए हैं या आप हमें बकरा बना रही हैं बेगम सलामत? अरे कोई बकरा नहीं बना रहे, सबके दांतों का साइज चेक करना है बस। अरे अरे बेगम सलामत, उनके दांतों से हमारा क्या लेना देना? अरे लेना देना पड़ सकता है ना, कल को हम उनके घर गए और उन्होंने हमें काट लिया तो हमें अंदाजा तो हो कि उनके दांत किस हद तक अंदर जाएंगे। नहीं नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर साइज चेक करने के चक्कर में उन्होंने हमें काट लिया फिर? ये तो और अच्छा होगा। देखो ना तुम्हारे जख्म से मैं अंदाजा लगाऊंगी कि दांत कहाँ तक घुसे अंदर। नहीं, हम नहीं जाएंगे ना चेक करेंगे, पहले हम उनको भुगत चुके हैं और आप जगह जगह जख्मों का रिस्क नहीं ले सकते, आप कोई और तरकीब सोचे। अच्छा जब तरकीब मुझे सोचनी है तो तुम यहाँ क्यों हो, दफा चलो। बात समझ में नहीं आ रही, इकट्ठे सारे पागल हो गए और काट खाने वाले हो गए यानी कटखन्ने हो गए। अल्लाह ए अब्बा क्या छोड़ गए तुम मेरे हिस्से में।
कि कब मरेंगे, कब जान छूटेगी, कब घर मिलेगा मुझे, अल्लाह तू जानता है। इन्हें सबको इकट्ठे ही मार देता, कटखंडा क्यों बना दिया। ये क्या केक जहां। भाभी जी, भाभी जी, शबाना खाए लाउंज में सोफे पे, लगता है वहीं मरेगी। अरे नहीं, वो तो कहीं थी मैं ऊपर जाऊंगी इंशाल्लाह। ए सीधा खड़ा, नहीं वो ये वाले ऊपर नहीं, वो कह रही यहाँ होगी। अल्लाह ना करे, आलियान का उसको बाहर भेजा है जिम का सामान लेने के लिए। भागने वाली मशीन लेके आपके सीने पे मूंग डालेंगी। नहीं तो तू मसला हल नहीं कर सकता, तू किस खेत की मूली है। खेत की मूली, मसला हल, मूली के पराठे बनते हैं, मसले नहीं हल होते। देख कोई तरकीब निकाल के वो नीचे रहने पे राजी हो जाए बस। आप लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में इतना है कि नीचे रहने को कोई राजी ही नहीं। अच्छा सुन, इधर आ, बस ज्यादा करीब नहीं, मालिकों से डिस्टेंस में रहते। अच्छा चलो, इससे बोलता आवाज आई। हाँ जूती। अच्छा हाँ, क्या कह रही। सीरियसली बात सुन मेरी, मेरे जहीन तरीन जहन में एक तरकीब आई है, सुन ले। वो ये कि तू जाकर वो जब सो रही हो तो उसका सोफा घसीट ले नीचे से, भाई जैसे भी खींच, बस अचानक झटके से खींचना। कोशिश करना या तो कमर का मोरा हिल जाए या फिर कूले की हड्डी टूट जाए। ये घर है या क्रिकेट मैदान। इससे ये होगा कि वो माजूर हो जाएगी और सीढ़ियां चढ़ने के काबिल नहीं होगी। ये कैसी प्लानिंग है भला। अरे तू ट्राई तो कर कमबख्त, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोशिश करते हैं भाई। हाँ और देखना, अगर वो करवट से लेटी हो तो पहले बातों में पहला फुसला के कोशिश करना कि वो चित लेट जाए, और जब वो चित हो तो झटके से सोफा घसीट लेना नीचे से, और मुझे जल्दी रिपोर्ट देनी है तूने। मतलब मैं पहले उनको सीधा चित लेटाऊं, उनसे कहूं आप सीधा लेटिए, मैं सोफा खींचना चाहता हूँ, आपकी हड्डियां तोड़ना चाहता हूँ। तो बातें क्यों बना रहा है, जा जल्दी से काम करिए। और देख, अरे कमर के बल गिरेगी तभी तो मोरे खिसकेंगे, अरे 2-4 साल के लिए माजूर हो जाएगी, देख लेना। इतना मुश्किल काम सौंप रही हैं आप मुझे, तनख्वाह बढ़ाएंगी। हाँ 200-400 बढ़ा दूंगी, मगर ये डिपेंड करता है डॉक्टरी रिपोर्ट पे। अगर उसने लिख दिया कि शबाना उम्र भर को माजूर हो चुकी है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, तो समझ ले हो गया इजाफा तेरे तनख्वाह में। तो दिसंबर तक की दे दो पहले। आवाज नहीं आ रही, पहले तू ये काम कर, और अगर तू ना कर सका तो मैं खुद जाके उसका सोफा उलट दूंगी बस। और आलियान है, उसका तो मैंने सोचा ही नहीं। तू पहले ये तो काम कर जाकर, मैं भी दुआ करूंगी कि तेरी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। क्या खाक बढ़ेगी, पहली बार सुन रहे हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर किसी की तनख्वाह बढ़ेगी। कहां है मेरा तांबे का हाथी, अब्बा मियां का, अब्बा मियां। इससे ही काम ना हो सका ना तो इतवार को इसी को हलाल कर दूंगी मैं, किसी छुरे से बिरयानी पका के तमाम गुरबा में बटवाऊंगी, देखना। हे आलियान, वो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिशियन समझा। पर मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि तुमने कुछ तो समझा मुझे। और मैं सोच रहा था कि शायद मुझे इलेक्ट्रिशियन ही बनना चाहिए कि तुम रोज मुझे डांट सको। बहुत शौक है तुम्हें डांट खाने का। तुम्हारे पास से जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। बदले नहीं तुम बिल्कुल। बदलना चाहिए था मुझे। तुम्हें पता है मुझे बचपन ना बहुत याद आता है, हम जैसे लड़ते झगड़ते थे और बहुत सारा खेलते थे। और तुम मुझे मारती थी और मैं रोता था। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें बचाती थी रबीका से जब वो तुम्हें मार रही होती थी। अब भी बचाओगी? किससे? ताही अम्मा से। उनसे क्यों बचाना है, वो तो तुमसे मोहब्बत करती हैं। क्योंकि मम्मी का साथ दूंगा तो ताही अम्मी के अजाब से नहीं बचूंगा, और ताही अम्मी का साथ दूंगा तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। तुम ही बताओ
किसका साथ तू? इसका बेहतर हल ये है कि तुम साथ देने के लिए कोई तीसरा ढूंढ लो, जिसका साथ देने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। बताओ जिंदगी, हमने तो पिलक नहीं लगाया। भाभी कह रही दांतों से कुतर दो, दांतों से जहर ना खिला दे हमको। कहां से काटें समझ में भी तो नहीं आता। आसमां हाथ में दुमदार सितारा, किस शान से चलाता है महबूब हमारा। आप वाकई इतने अच्छे एक्टर हैं, ये सच में पागल है। लाहौल वाला खुद किस कसम के अलकाबात से नवाज रही हैं आप मुझको? अरे आप ही तो सुबह से आसमान के नीचे बातें किए जा रहे हैं और अभी भी हंस रहे हैं। अरे अरे खुद हमको इशारे कर रही हैं और हम ही को पागल कह दिया है। लगता है दिमाग के साथ साथ नजरें भी खराब हो गई हैं आपकी। मैं फोन पे बात कर रही थी आपसे, नहीं फोन पे बात की जाती है, इशारे नहीं करता कोई। मैं करती हूँ क्यों? अगर मैं जोर से बात करती तो अंदर बाजी को आवाज नहीं चली जाती। अच्छा हो समरीन के नहीं आई हैं आप? आपसे मतलब? मतलब ना सही, मकसद तो हो सकता है। देख चाचा ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर तू, समझा? अगर मैंने बाजी को बोल दिया ना तो तेरी ऐसी घंटी लगाएंगी मजा आ जाएगा। देखे कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन ऐसे ऐसे लड़के नहीं है हम। लड़के लानत तुम लोगों के झगड़ों पे, भरी जवानी में बूढ़े देखने लगे हैं हम। चाचा कह नहीं भाभी, अगर शबाना के साथ साथ नीचे के चूहे भी ऊपर शिफ्ट हो जाए तो मैं नीचे शिफ्ट हो सकती हूँ। अम्मा अब चूहों को उर्दू थोड़ी आती है कि मैं बोलूंगी और चाची के साथ ऊपर चले जाएंगे। अच्छा चूहों को भी उर्दू नहीं आती? मैं तो रोमन में लिख के दे देते, वो पढ़ लेते। इंसानी जिस्म विच किन्निया हड्डियां होंदियां ने। 206 पर ये आप क्यों पूछ रही हैं? She want to cut my bones. भैया tell me. नहीं ये कैसे हो सकता है? आज रात तेरी ताई मेरी हड्डियां तोड़न आ रही है। She cut my bones. छोटे से वक्फे के बाद जंग दोबारा शुरू हुई है। यानी दोनों टीमें अपनी अपनी मर्जी की पिच पे खेलना चाह रही। भाभी जी ने हमको टास्क दिया है कि छोटी भाभी की दो चार हड्डियां किसी भी तरह तोड़ दे और अपनी मर्जी की पिच पे खेलने पर राजी कर ले। टास्क जरा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है भाई। हम चांस लेंगे क्योंकि भाभी जी के पास तो है खाली पीतल का हाथी, छोटी भाभी जी के पास है पाउंड्स। हम इतने तो ले लेंगे जितने के हम हुए थे। उठता दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर च नहीं उचलता। आवे जे मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, सच ना चुंदा दिनुंदा हाडे अखां विच निंदरा उड़ा के साडी अखां विच। व्हाई यू कम टू मी? क्यों आए हो यहां? सोफा खींचने? क्या मतलब ये है कि वो आपने कहा था सोफा हटाओ जिम का सामान लगेगा। Oh, you mean you are to my side? हाँ तो मेरी तरफ हो। हम तो 12वें खिलाड़ी हैं भाई, जो अपनी तरफ कर लेगा उसके हो जाएंगे।
आई सिलेक्टेड यू एज अ 12वां खिलाड़ी, आज से तुम मेरी टीम में शामिल हो, पकड़ो। 12 साल की तनख्वाह देनी होगी। हाय, पिछले 12 साल तो मैं थे है ही नहीं सा। हाउ आई गिव यू 12 ईयर सैलरी? तो कोई बात नहीं, वहां से भेज देती पाउंड्स। की उठों भेज दी पाउंड? आई एम नॉट मैड। बूथा देखा कभी अपना बूथा? ठीक है, तो फिर आज रात को 206, 205, 204 तोड़ दी जाएंगी। क्या हड्डियां, बोन्स? फिर आप नीचे पड़े रहिएगा, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएंगे आप, फिर आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ डेंजरिंग प्लानिंग। इस प्लानिंग से तो मैं ही बचा सकता हूँ आपको। हाँ तो बचाओ ना तुसी। 12 साल की तनख्वाह। उठ उठ, खलो, चल चल दौड़। 12 साल की तनख्वाह, हर वेले पौंड 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 ही नजर आ रहे, भांडे ना चुक के मारा तेन। क्यों भिनक रही हो मेरे सर पे खड़ी हुई? अम्मा रहने देना, शबाना चाची को ऊपर आने दे। क्यों आने दे शबाना चाची को, और मैं तो नहीं शिफ्ट होती नीचे। अम्मा चाची तो पहले भी ऊपर रहती थी ना, हम नीचे शिफ्ट हो जाते, और ये उन्हीं का तो पोषण है। तो क्या हुआ, बस मैं नीचे नहीं रह सकती इतने मोटे मोटे चूहों के साथ? ना भाई, चूहों से क्या डरना, वो तो कहीं भी आ जाते। नहीं नहीं कहीं नहीं, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, समझी? मैं नहीं रह सकती। हाँ मगर एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि अगर शबाना के साथ साथ नीचे के चूहे भी ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो मैं नीचे शिफ्ट हो सकती हूँ। अम्मा अब चूहों को उर्दू थोड़ी आती है कि मैं बोलूंगी और चाची के साथ ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, चूहों को भी उर्दू नहीं आती? तो रोमन में लिख के दे देते, वो पढ़ लेते। अम्मा मैं कह रही हूँ सिर्फ ये सोचो तरकीब के शबाना के साथ साथ चूहे ऊपर कैसे शिफ्ट किए जाएं, और अगर नहीं समझ में आए ये तरकीब तो जाओ जाके इंटरनेट पे देखो, और सुनो कोई नई कोई तरकीब हो ना तो मुझे जरूर बता देना। जाओ खिड़की के पास बैठो, जाओ। नीचे शिफ्ट हो जाएं। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चीरे वाले अवेखदा जाएंगे मेरा लौंगा। हाय हाय सबके जामा, मेरा पुत्र, माय डियर सन, किथे रह गया सै तू? आई एम वेटिंग फॉर यू। तेनु नहीं पता तेरी माँ के खिलाफ कैसिया डेंजरिंग साजिशा हो रही ने। ये क्या कह रही है आप अम्मी? तू मैनू दस इंसानी जिस्म विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने? 206? पर ये आप क्यों पूछ रही हैं? तेरी ताई 2-4 कट करन दे चक्कर इचे। She want to cut my bones। भैया tell me। नहीं ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? इतनी खुशफहमी चंगी नहीं होंदी। आज रात तेरी ताई मेरियां हड्डियां तोड़न आ रही है। She cut my bones। मैं आप ही जिद करके बैठी हुई हैं। आप छोड़ दे ऊपर वाला पोर्शन, नीचे आराम से रहे। Not possible। पहले भी मैं उत्ते ही रहनी सा, हुन भी मैं उत्ते ही रहना है। मैं भाभी जी दे इस फैसले दे अगे ना शीशा पलाई दीवार दी तरह खड़ी हो जावांगी। हां शीशा पलाई दीवार? ओहो दीवार ते दीवार होंदी है ना, शीशा हो या शीशा की फर्क पैंदा है, और तेनू समझ नहीं आएगी। बस मां अब बिना वजह की लड़ाई का क्या फायदा? ओ फायदा हो या नुकसान, मैं ते उत्ते ही रहना है या फिर इस सोफे ते। तू जिथे जाना है ना तू जा, लीव मी अलोन ऑन सोफा। Fine. गलत मन नहीं सी अन्ने मेरी। ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तो वहां तो सदके जावा। हीरिये ईद मुबारक, सोनिए ईद मुबारक, हीरिए खैर मुबारक। जिंदगी हमारी इस नहज पे पहुंच जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था कभी। दोनों बहुएं पागल,
ऊपर से उनकी दोनों औलादे पागल, सुन रही हो? तुमसे कह रहा हूं, तुम में पेट्रोल नहीं, हम में हिम्मत नहीं। चलो हमारे साथ भाग चलो। हैं, तुमने भी मना कर दिया? हाँ। अब जाए तो जाए कहाँ? आप तो वैसे बहुत ही भोले हैं। अब तो भी भोला नहीं है। मैंने सुबह बहुत गुस्सा कर दिया ना आपके साथ। अच्छा ना, गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अपनों में कैसा तकल्लुफ, डांट दिया तो डांट दिया। अपने? हाँ हाँ बाबा, आप पड़ोसी जो हो गई हमारी, आप हमारी पड़ोसी हो गई। पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो रिश्तेदारों से ज्यादा होते हैं। अरे रहने दे, एक तार ही तो थी हमारी, वो भी काट दी आप लोगों ने, और बोला कि भाई अगर दोबारा कोई भी चीज यहाँ से गुजरी तो जीना हराम कर देंगे हमारा। अरे अब तो सुल्ताना भाभी ने कह दिया था, हमने काट दी। क्या मिजाज की कड़क है थोड़ी, पर मत मानिएगा, फरखंदाबाजी की वजह से करवाया उन्होंने। आप कहाँ इन चक्रों में पड़ने, छोड़िए ना। अरे मुझे पता है आप जैसा रहम दिल मोहब्बत करने वाला शख्स ये बात कर ही नहीं सकता। वैसे इतनी बात हो गई, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं हलीमा। अय अल्लाह, मैं सुल्तान। मैंने तो सुना है आप यहाँ के भैया हैं। अरे लकब है हमारा, जैसे सर एक लकब है ऐसे भैया भी एक लकब है। काफी हसीन इत्तेफाक है। आपसे ज्यादा हसीन थोड़ी है। अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना। चलो। क्या मतलब, हम आपका भी सौदा लाएंगे? नंबर है मेरा। ओ नंबर। चलो अब एक काम करो, जल्दी से 1500 का इजी लोड दलवा दो। हाँ जी, क्या करवा दे? इजी लोड 1500 का करवा दो। करवा देते हैं, पैसे लाइए। पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैं कौन से कहीं भागे जा रही हूँ, कल दे दूंगी ना। कल? हाँ जी, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप कल मुझसे मिलेंगे ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा। चले अब जल्दी से जो है ना इजी लोड करवा दे भाई, मुझे टिकटॉक पे वीडियोस भी बनानी है यार। हो जाएगा। ओके, तो फिर कल इसी वक्त इसी जगह मैं आपके पैसे लौटाने आऊंगी। बाय सुल्तान। हम तो अंधे हो गए तुम्हारे प्यार में। अरे कहां से सारी रोशनी दोबारा आ गई भाभी। सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें एक घर में भेज रही हूँ, तुम्हें चेक करके बताना है कि उन सबके साथ हुआ क्या। ऊपर वाला पोर्शन आपको जरूर दिलवा सकते हैं, ये गारंटी है। जस्ट टेल मी, कदो शिफ्ट हो रही है मैं उत्ते? मेरी एक क्लास फेलो है। हाँ। उसका एक भाई है, वो तुम्हें पसंद करता है, उसने तुम्हें कहीं देख लिया। शब्बो जानी का सामान उठा और ऊपर शिफ्ट करवा दे। आई लव यू भाभी जी, यू आर सो स्वीट।